पत्नी को बुलाई भेजा हाँ। और ऐसे ही अगर इनके पति ससुराल बुलाई भी जाए तो जे तक कपड़ा पैक कर देती सूटकेस में, सूटकेस में कपड़ा पैक कर देती और अपने पति को पकड़ाई देती, ले चलो अब पति आगे आगे चल रहे और बेचल रही पीछे से डीएम बन के। और बता तो जाई बात में तो आगे और बता सुनो अब तुम जाई बात कह रहे खाइबे में जे आगे लड़ीबे में जे आगे और फिर करने में अब तुम चुप ही रहो तब तो बढ़िया है। क्यों इन्हें हार दिखाई देते और जब अपना मुंह बजाते बेफल तू हाँ, 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 अब तुम जा समझो कि तुम्हारी हार हो गई। कहाँ से हो गई तो बुलवाओ जाई करा एक बार, तो तुम ही बुलवाओ जा करो पहले। चलो ठीक है भैया लोगों आप मत बोलना हमारी माताएं बहनें बोलेंगी। और माताएं बहनों अगर आवाज कम निकले कोई बात नहीं लेकिन दिखावटी होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर कर देना। बोलिए गोविंद भगवान की। देखा कैसी चिड़ैया सी चेची आएगी। हमारी माताएं बहनें देखो जीत गई, काऊ ना जीत गई चिड़ैया नहीं इधर तो बुलवा अपने भैया लोगों जयकारो बोलियो तो चारों हाथ पांव ऊपर कर ले और का तवई गिनती पूरी कर पाइयो और तव नहीं कर पाइयो जयकारो बोलो बोलिए बाके बिहारी लाल की शाबाश। देखो है आवाज अब इन लोगों ने संग दिखाओ जे माइक में बोले जय हाँ हाँ लेकिन जीत तुम्हारी ना है। अगर काऊ बुलाए के बाहर के खड़े कर दे पंचको तो वो अब न्याय कर दिया। हाँ हाँ और अपनी बढ़ाई अपने मुंह से कर रहे मैंने ने कोई शर्म नहीं लगती तो जयकारे में आवाज तो हमारी तरफ से आई। और खैर कोई बात नहीं माताएं बहनों तुम जा मत सोचियो किसी जयकारो बुलवाती का है। हम बुलवात जाके मारे अगर थोड़ो बहुत हकलाती हो तब सही हो जाए भगवान की कृपा से। हाँ एक बार की बात बताएं तुम्हें ज्यादा दूरी की बात होना डिस्ट्रिक्ट बरेली में हम गए कथा करने तो बरेली में भैया वो कस्बा पड़ता है कौन सा करेली करेली कर गए ना। हाँ तो उसमें हमारी कथा चल रही थी। अब एक घर में दो लड़कियां रहे अब भगवान की कृपा से भैया वे दोनों अकली आती और दोनों भी अकली। अब हम उनके घर में रुके भैया लोग तो खैर दूर रात आते जब हम उनके घर में रुके तो हमसे बोलो नहीं करती आते जब भी हमसे बोला नहीं तो हमें अच्छो नहीं लगे। अब हम जा सोच हम बिनकाओ की तरह ही रात तो एक बार पूड़ी बनाई और बड़ी अच्छी सब्जी बनाई तो भैया लोग सब खाना है तो संगम खान बैठ गई। अब भैया ने जा पूछी जा बताओ तुम्हें यहाँ अच्छो लगत। अब हमने कही का बताए अच्छो तो लगत और अच्छो लगे या ना लगे हमें तो सात दिन काटने पड़े हमें यानी जिंदगी थोड़ी नहीं काटने। तो भैया ने जा कही जा बताओ बात का है। अब हमने कही जी जा घर में दो लड़की नहीं जी हमसे बोलती ही नहीं बिल्कुल। अब भैया बैठे जो बे हमसे बोले ऐसो करो इनकी ना बढ़ाई करो और जब स्त्री की बढ़ाई करते तो बड़ा खुश हुआ करते हैं। जब भैया ने उनकी बढ़ाई करी पूड़ी बनाई थी उनने और पनीर की सब्जी बनाई। अब भैया बोले सब्जी क्या बनाई है बनाने वाले ने क्या कहें जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब वे जो अकलाते हैं अति वे निकल की आई अब पास में खड़ी हो गई बोली ता बताए तुम्हें हमें तो बड़ी थरम लगती
अब भैया उनके मुंह की ओर देखने लगे, हम मुंह देखने लगे, भैया पे बोली ही ना तो हमें का पता जी अक्कल नहीं है। अबे दूसरी आई निकल के थवा दीता थी बनी, तो भैया बोले सब्जी तो बहुत अच्छी बनी। अबे बोली धना थवदी तो हमने बहुत अच्छी बनाई, तमें हमने नमत उदारो मितदारी थवई दरम मथाले दारे, तो तई थी थवदी बनी। अब हमने कही थवदी तो भैया बहुत ही अच्छी बनी। अब हम उनकी हंसी कर नहीं सकते, क्यों बेजक कहते हैं बस बेचारी शर्माती हैं। अब बेजक कहते हैं लो जी शास्त्री हो के हंसी करते हैं, तासे हम हंसी नहीं करते काऊ की भैया काय को बेफल तुम काऊ बुरा लग जाए, और जब बुरो लग गो तो भैया बे हमसे गलत सलत बोलने लगी तो फिर हम का करें। और हम नहीं चाहते हैं कि आप भी अकले हो, अगर थोड़े बहुत अकले हो तो भगवान के भजन कीर्तन अगर आप बोलेंगे तो वो भी अकलापन नष्ट हो जाए। इसलिए हम आपसे प्रभु का भजन बुलवाया करते हैं, प्रभु का जयकारा बुलवाया करते हैं। और आप ये मत सोचना कि इन्हें तो बोलने का पैसा मिलता है और हम काय को चिल्लाई चिल्लाई मरी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भगवान की भक्ति करने आए हैं आपके यहाँ, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आपने शायद हमारे विनीत भैया से जानकारी भी ली होगी कि हम किस तरह से आए हैं यहाँ पे। हमारे विनीत शर्मा जी की कृपा हुई, हम विनीत शर्मा जी के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर भगवान की भक्ति करने आए हैं, आप लोगों की रुचि देखने आए हैं कि भगवान की भक्ति में यहाँ की भक्त किस तरह से लीन रहते हैं। खैर यहाँ के सभी भक्त बहुत अच्छे हैं, जाने के बाद में हमें भी आप लोग याद आओगे। अब देखेंगे कुछ प्रभाव पड़ा या फिर वैसे के वैसे ही हैं। जयकारा बोलेंगे सभी भक्त, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो बदली गई, अब तो जा लग रही कि जय वृंदावन है। मथुरा वृंदावन जैसी नजर आने लगा। देखो समय काफी हो चुका है तो हम चाहते हैं कि अब आरती करा दें और ठीक समय 6:30 बजे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाएगी क्यों